भाई और बहनों, मेरा प्रणाम। कल मैंने अखबार में पढ़ा है कि गंगा, गंगा माता और जमुना, ये दोनों नदी अपने बच्चे के समान, एक आदमी के समान, एक औरत के समान, जो हमारे सबके मन में था, इसको आत्मी के जगह पर एलिवेट किया है ऊपर लेके। हाई कोर्ट ने ऐसा एक वर्डिक्ट दिया है। ये दोनों नदियों की प्रोटेक्शन, संरक्षण करने की उत्तरदायित्व मिनिस्ट्री को भी दिया है, उत्तराखंड मिनिस्ट्री। तो जो आदमी लोग, बच्चे लोग या औरत अपने जिंदगी में कोई प्रश्नों की मुकाबला करते हुए कोई अवसर आए तो, कोई दुर्घटना आए तो अपने आप माता पिता के साथ इसका कंप्लेन दे सकता है, अपने दुख के बारे में बोल सकता है, नहीं है तो पुलिस में हम अपने कंप्लेन दे सकते हैं, देने के लिए मुश्किल नहीं है। तो माता पिता से ऊपर जाकर पुलिस स्टेशन जा सकता है कोई प्रॉब्लम है तो, वो पुलिस स्टेशन से भी आगे जाके मिनिस्ट्री को अपने रोदने के बारे में आपको कंप्लेन दे सकता है। ठीक उसी प्रकार कोई आदमी, कोई संगठना, कोई आदमी लोग एक साथ मिलकर अपनी प्यारी पुण्य नदी, पवित्र नदी, गंगे जय यमुने चैव गोदावरी शतद्रुति नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये सात नदी से पहला दो नदी हमारे गंगा, गंगा माता, यमुना, श्री कृष्ण की प्यारी यमुना कालिंदी, भीष्म पितामह की माता के समान जो गंगा है, वो गंगा माता को अपने आत्मी के जगह पर लेके आने की कोर्ट का वर्डिक्ट, ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड मिनिस्ट्री की ये डिसीजन बहुत बहुत अच्छा हो गया। हमारे जिंदगी में पौधे को हम पुत्र के समान मानते हैं। दशक उपाय एक वापी दश नदी, दशा वापी एक नदी, दश नदी एक पुत्र, दश पुत्रो एक वृक्ष, दश पुत्रो एक वृक्ष, एक वृक्ष को, एक नदी को, हिमालय को पिताजी के समान हम मानते हैं, नदी को माताजी के समान हम मानते हैं। ठीक है, ठीक, ये जानवर को भी हम हमारे पुत्र के समान पालन करते हैं कि कहानियां भी सुनते हैं। तो हम मालूम करना है यमुना और गंगा आज के बाद हमारे पवित्र पुत्र पुत्री के समान हमको पालन करने की मौका मिलेगा, हम उसी प्रकार करना है। दूसरा पॉइंट ये है, मैंने मलयालम में पढ़ा है, एक आदमी तो इजिप्त से इधर आया, ईमान अहमद, ईमान अहमद भारत में आकर इसका बॉडी वेट तो 500 किलोग्राम था, अभी तो नीचे आ रहे हैं, 60 लाख रुपीस को डोनेशन के रूप में इकट्ठा करके वो आदमी की चिकित्सा की उत्तरदायित्व भारतवासी की एक हॉस्पिटल, अस्पताल वाले ले लिया। हर दिन 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम तक उसका बॉडी वेट नीचे आ रहे हैं, कंट्रोल्ड फूड से उनका वेट तो नीचे आ रहे हैं। मैंने क्यों ऐसा एक घटना इस YouTube में अपलोड करने की हिंदी में बताया, पूछे तो मुझे बता सकते हैं कि हम हमारे बच्चे को, अपने आप को भी बॉडी वेट नीचे लाना, कम करना बहुत आवश्यक है। ये जिंदगी में बीमारी से फाइटिंग करने के लिए, हमारे तंदुरुस्ती तबीयत ठीक रहने के लिए बॉडी वेट बिल्कुल कम करना है। ये बॉडी वेट बिल्कुल कम करने के लिए एक रास्ता है कंट्रोलिंग द फूड। आप और आपके आपके बच्चे लोग अभी भोजन की जो जो मटेरियल हम लेते हैं, बेकरी आइटम्स लेते हैं, मिठाइयां लेते हैं, ये सब कुछ खतरनाक हो जाएगा हमारे बॉडी के लिए,
अभी आप उसको कंट्रोल नहीं किए तो. सो भोजन की कंट्रोल, भोजन मटेरियल की कंट्रोल, हमारे आहार की कंट्रोल आप जब करना शुरू करते हैं, कंट्रोलिंग शुरू करते हैं, तब से आपकी बॉडी वेट नीचे ला सकते हैं. 500 किलोग्राम लिखने वाले अमीन अहमद की अभी का वेट तो 300 किलोग्राम बन गया 40 दिन के अंदर, तो हमारा वेट भी नीचे ला सकता है. मेरा फूड कंट्रोल करना है, सोयाबीन मिल्क और मिनरल्स के साथ इसका वेट तो कम किया है हमको भी, ए इसके आधार पर साइंटिफिकली हमारा बॉडी की वेट तो नीचे लाए तो बहुत सारे दिन भी हमको जिंदगी अच्छे से आस्वादन कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच विचार करना है. और अगला पॉइंट ये है भोजन मंत्र. हम भोजन करते वक्त बहुत सारे मंत्र की आलापन करते हैं, याद कीजिए एक मंत्र है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना. ये भगवद्गीता में अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने दिया उपदेश की पाठ है. 700 श्लोक में एक अच्छे श्लोक है, एक मैसेज है ब्रह्मार्पणम. जो जो काम हमने करते हैं वो ब्रह्मार्पणम के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, परम ईश्वर परमेश्वर के सात पाद कमल में हम तो अर्पण करते हैं. ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, जो जो खाने के मटीरियल हम तो अंदर डालते हैं वो भी ब्रह्मार्पणम है. ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ, हमारे अंदर बाहर की जैसे अग्नि है इसी प्रकार अंदर भी जडराग्नि है. वो जडराग्नि में हम तो भोजन मटीरियल डालते वक्त वो भी ऑक्सीडेशन होता है, डाइजेशन होता है. सो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, डाइजेशन की बात के लिए ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम. हुतम मीन्स ऑक्सीडेशन. ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म मीन्स एनर्जी, इज इक्वल टू एनर्जी. वो ब्रह्म के ओर, एनर्जी के ओर जो जो मेटीरियल हम तो खाते हैं वो एनर्जी के ओर जाते हैं. तो ये साइंटिफिक मंत्र है, हम तो ये मंत्र पालन करके, मंत्र आलापन करके भोजन करते वक्त सलाइवरी ग्लैंड, जो पानी हम हमारे मुंह से आते हैं ना, उसमें 0.2% 0.2% टायालिन नाम के एक केमिकल है, उसमें एक हार्मोन है, एंजाइम, हार्मोन नहीं है एंजाइम है. वो एंजाइम सलाइवा के साथ अंदर जाते वक्त पूरी बिल्कुल डाइजेशन होता है, बिल्कुल डाइजेशन होने होता है. तो एक बायोकेमिस्ट्री भी है. खाने के पहले जो प्रार्थना हम करते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हगर ब्रह्मा, दूसरा प्रार्थना भी है वो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के लोग ये प्रार्थना की आलापन करते हैं. प्रभो सेवा अवृता भक्तिया भक्तिया हे प्रभो सेवा अवृता वयम संप्रार्थयाम हे, हम तो ये प्रार्थना करते हैं. कल्याणार्थम स्वराष्ट्रस्य, अपने राष्ट्र की कल्याणार्थम, मंगलकारी स्थापना के लिए कल्याणार्थम स्वराष्ट्रस्य प्रसारार्थम स्वसंस्कृति, अपना संस्कृति की प्रचार के लिए हम तो प्रतिबद्ध है हमारे जिंदगी में. कल्याणार्थम स्वराष्ट्रस्य प्रसारार्थम स्वसंस्कृति विश्वस्य अभ्युदयो येन, ये विश्व के अभ्युन्नति के लिए हम तो प्रतिज्ञाबद्ध है. विश्वस्य अभ्युदयो येन प्रजानां च रक्षणं, ये दुनिया में जितने आत्मी लोग हैं वो प्रजा है. वसुधैव कुटुंबकम् विश्वं भवत्येक नीडम्, ये वसुधा अस्माकं कुटुंब की समान है. ये वसुधा ये धरती, अयम माता पृथ्वी, ये पृथ्वी तो हमारे माताजी के समान है. पुत्रोहम पृथिव्या, हम सब ये पृथ्वी की पुत्र के समान है. सो ये विश्व में जितने आत्मी लोग हैं, जितने अव्रत लोग हैं, इसको अभ्युदय के लिए, विश्वस्य अभ्युदयो येन प्रजानां च रक्षणम् सर्वत्र सर्वदा शांति, सभी टाइम पे, सभी टाइम पे, सर्वत्र सभी जगह में, सभी राष्ट्र में शांति रखने की प्रार्थना है. सर्वत्र सर्वदा शांति समाधानम च सर्वदा, समाधानम आदानम मतलब ऊपर लाना, डेवलपमेंट प्रोग्रेस आदानम, समाधानम स्टेबिलाइज्ड प्रोग्रेस, वो सिस्टमैटिक प्रोग्रेस होना है, वो प्रार्थना भी अच्छा है.
दूसरा प्रार्थना भी है ब्रह्मार्पण के जैसे, दूसरा प्रार्थना है ओंभूर्भुव स्वाहा रतन्द्वा सत्येन परिशिंजयामि भूर्भुव सुरो मंदश्चरति भूतेषु गुहायां सर्वतोमुखत्वं यत्यत्वं वषट्कारत्वं विष्णुपुरुषपरा। ये अन्नम जो हम खाते हैं, भोजन जो खाते हैं, वो को अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ईश्वर की मैनिफेस्टेशन और मैनिपुलेशन के जैसे हम अन्न को देवता के रूप में मानते हैं, वो अन्न है विष्णु, अन्न है अंदश्चरति भूतेषु गुहाया, हमारे जिंदगी में हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है, चैतन्य है, उसकी स्थापना के लिए, उसकी आगे चलाने के लिए हमारे शरीर की काम, शरीर की प्रवर्तन तो आगे चलाने के लिए ये अन्न की जरूरत है। ये प्रार्थना बिल्कुल साइंटिफिक है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड की एक्टिवेशन साइंटिफिक है, सलाइवा में जो टायालिन है उसके बारे में वो कैसा डाइजेशन के लिए ब्यूटीफुली काम करते हैं, सुंदर रूप से काम करते हैं, वो भी अच्छा है। भगवद गीता में दूसरा श्लोक भी है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विध, चार तरह में तो ये अन्न की पचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। हे अर्जुना, वो डिवाइन पावर ये अन्न में है, हमारे अंदर भी है, तो इसलिए आप सब भोजन करने के पहले एक 30 सेकंड तक प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एक बार एक कॉलेज में, एक विमेंस कॉलेज में गया था, उधर बच्चे लोगों को, बच्ची लोग हैं, बच्ची लोगों को बिल्कुल बताया अपने आपकी जिंदगी में जो जो कार्यक्रम है, जो जो संदेश आपको बाहर से मिलते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन आपको बाहर से मिलते हैं, ये बच्ची लोग जो जो अनुभव ये क्लासरूम से, बाहर से, घर से कॉलेज तक आने के लिए, कॉलेज से घर तक जाने के लिए, ये अवसर पर आप जो जो सुनते हैं, जो जो देखते हैं, जो जो चर्चा करते हैं, इसके बारे में आप सोच विचार करते हैं, ये पूरा अपने माताजी से बताना है। अपने माताजी है सर्वश्रेष्ठ, एक बच्ची लोग के लिए माताजी के समान कोई भी नहीं आएगा, पुत्रों के लिए भी माताजी के समान कोई भी नहीं आएगा। पिताजी के रोल 10% है, बाकी 90% ये माताजी के रोल है। एक माताजी आपके सिर पर हाथ लगाकर अनुग्रह देने के लिए योग्य बनना चाहिए। मातृ देवो भव के मतलब यह है, माताजी ईश्वर के समान अपने आप ऊपर लाना है, पिताजी भी अपने आप ऊपर लाना है, बच्चे लोगों के एक मातृका के जैसे, एक आइडियल मॉडल जैसे माता पिता अपने घर में रखना है। माताजी है गृह लक्ष्मी, बच्ची भी गृह लक्ष्मी बनना चाहिए। ये बच्ची लोगों के मन में जो जो बुरा बुरा और बुरी थॉट्स चिंता आते हैं, इसके बारे में माताजी से बताना है, अपने प्रश्न के बारे में भी माताजी के बताना है। माताजी माता लोग जो जो है, ये बच्चे लोगों जो जो बोलते हैं उसको सुनने के लिए भी टाइम देखना पड़ता है, अवसर क्रिएट करना पड़ता है, नहीं है तो बच्चे लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं। बच्चे लोग के मन में जो पसंद बातें हैं वो माताजी और पिताजी सुनना है, ठीक सुनने की मौका भी क्रिएट करना है, मौका बनाना है। तो माताजी के रोल जिंदगी में बहुत ज्यादा है, माताजी के रोल जिंदगी में बहुत ऊपर है, पिताजी से भी ऊपर है, ये बच्ची लोगों के रोल भी बच्चे लोगों से भी ऊपर है। कभी भी हम औरत और आदमी एक साथ तुलना करना मुश्किल है, वो संभव्य भी नहीं है। माताजी की पोजीशन बहुत ऊंचा है पिताजी से, बच्ची की पोजीशन बच्चे से बहुत ऊंचा है। सहोदरी हमारे दुखिता की पोजीशन सन पुत्र की पोजीशन से बहुत ऊपर है। तो हम मालूम करना है गंगा माता के जगह में गंगा, प्रकृति माता नेचर को माता के जैसे, माता पृथ्वी को माता के, फादर अर्थ वी नेवर यूज्ड से, गंगा फादर वी नेवर यूज्ड से,
तो हम याद करना है सभी बच्ची लोगों को माता की श्रद्धा बहुत ज्यादा से ज्यादा आने की एक काल है अभी अभी, तो हम इसके बारे में देखना है। हमारे भारत में बहुत सी लड़की लोगों और औरतों को नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, दुर्घटना की अभिमुख करने की अवसर आ रहा है। ये पुलिस उसके बारे में सोच विचार करते भी, और तो मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर ओ कोई भी करने दो, कुछ तो भी करने दो, अपने आप संरक्षण करने के लिए एक औरत या एक बच्ची अपने आप तैयार होना चाहिए। माताजी की गाइडेंस, माताजी की अनुग्रह, माताजी की डायरेक्शन की जरूरत भी है। इसी प्रकार मैम डेढ़ घंटे तक वो कॉलेज में बात किया है, वो कॉलेज की अध्यापिका लोग और टीचर्स बहुत पसंद करके बताया है, जब जब आप तो इधर आते हैं हमारे बच्ची लोगों को इसी प्रकार की उपदेश देना है, तो बच्ची लोगों के प्रश्न की परिहार वो उसकी सॉल्यूशन हमको आपकी संदेश से मिलेगा। तो मैम सभी माताजियों को बताता हूँ कि आप अपने बच्ची लोगों के बिल्कुल पालन करना है, उसके सुख में दुख में प्रश्न में प्रश्न परिहार करने के लिए आप बच्ची लोगों के साथ कभी भी मौका मिलता है बैठकर अपने एक एक करके अपने प्रश्न को पर्टिकुलरली एडोलेसेंट पीरियड, वो बच्ची लोग तो एक औरत बनते वक्त जो जो बॉडी में चेंजेस फर्क हो रहा है उसके साथ माताजी के अनुग्रह माताजी की डायरेक्शन गाइडेंस की जरूरत भी है। ये सभी माताजी लोग माता लोग को जानना बिल्कुल संभव है, जरूरत भी है। प्रणाम।